नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज हमारे साथ बेहद खास शख्स हैं। नौकरशाही जिहाद के नाम पर वो एक कार्यक्रम चलाना चाहते थे, सुरेश चौहान के जी हमारे साथ हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। इसके बाद लगातार एक बहस शुरू हो गई और आज खुद तमाम सवालों के जवाब देने के लिए सुरेश चौहान के जी मौजूद है हमारे साथ। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। आपके कार्यक्रम पर रोक लगा दी। 28 तारीख को, 28 अगस्त को रात 8 बजे आपका कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था, लेकिन अचानक हाईकोर्ट से स्टे आ गया और अब मैं आपसे पहली प्रतिक्रिया इस स्टे के बाद जानना चाहता हूं। मैं पहले तो आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप केवल हाईकोर्ट के स्टे की बात करें, आप ये भी बताइए या मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन के शो पर स्टे लगाने से मना किया था। उसके ये जानकारी हाईकोर्ट को दिए बगैर हाईकोर्ट से स्टे लिया गया है। और ये भी चमत्कार है कि जहां सुप्रीम कोर्ट प्रोग्राम को रोकने से मना कर रहा है, वहां पर हाईकोर्ट स्टे दे रहा है। खैर, उसको तो हम न्यायिक प्रक्रिया की तरह ही देखेंगे। और मैं प्रतिबद्ध हूं, इस इंटरव्यू के शुरू में ही मैं आपके करोड़ों दर्शकों को वचन देता हूं, हिंदुस्तान को वचन देता हूं कि मैं नौकरशाही जिहाद यूपीएससी स्कैम के विरुद्ध, जो मेरे पास हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके आधार पर मैंने जो रिसर्च किया है वो दुनिया के सामने रखूंगा। और इस देश का महत्वपूर्ण हिस्सा जिसको कहा जाए, जो नौकरशाही है, एग्जीक्यूटिव है, उसमें जो मुसलमानों की घुसपैठ है, उसका पर्दाफाश करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मुझे मेरे चैनल पे शो करने के लिए रोका गया है, मैं वहां तो सही समय पे जवाब दूंगा क्योंकि मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इस पर जरूर बात करूंगा कि इस देश में अफजल घर से निकालने वाले और हिंदुस्तान के टुकड़े करने के नारे देने वाले को तो आजादी है, लेकिन 30 वर्षों से पत्रकारिता करने वाले और 15 वर्षों से चैनल चल रहा है, राष्ट्रवादी चैनल, राष्ट्रीय चैनल, उसका उसके अभिव्यक्ति के आजादी पर कुठाराघात करने वालों का मैं निषेध करता हूं। सुरेश जी, हम आपको लगभग 15 साल से देख रहे हैं। आपने तमाम लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, फिर चाहे वो जाकिर नायक हो जो देश छोड़कर भाग गया, और अब जब ये कार्यक्रम आप करने जा रहे थे, एक बड़ा खुलासा, बड़ा स्कैम आप दिखाने जा रहे थे, तो उस पर अचानक रोक लगा दी गई। तमाम बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार, फिर चाहे वो आशुतोष हो, अजीत अंजुम हो, उनका सीधा आरोप है कि आप यूपीएससी के चेहरे पर कालिख पोत रहे हैं, आप नफरत देश में फैलाना चाहते हैं मुसलमानों के नाम पर। क्या ये सच है? आप बड़े बड़े पत्रकारों के साथ साथ बेरोजगार पत्रकार भी कहिए। बड़े बड़े है तो बेरोजगार क्यों हो गए? हम तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी बेरोजगार नहीं है और बीजेपी के कार्यकाल में भी सरकार की गलतियों को दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है, दिखा रहे हैं। रही बात आपने कही हमने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, तो नवीन आप तो 15 वर्षों से जानते हैं, सुदर्शन ने जिसके भी विरुद्ध आवाज उठाई वो सबूतों के साथ उठाई। हो सकता है कि जब हमने आवाज उठाई तब ज्यादा सुनी नहीं गई हो सकता है कि तब तुरंत न्याय नहीं मिला हो, लेकिन जाकिर नायक इस देश से भागा और सुदर्शन के कार्यक्रम के कारण भागा है। इस देश के जिस भी गद्दार के खिलाफ हमने कार्यक्रम किया उसका काम तमाम हुआ है। ये सुदर्शन का इतिहास है। देखो, सुदर्शन को एक मीडिया मोमेंट नहीं है, ये एक आध्यात्मिक धार्मिक शक्ति के साथ चलने वाला एक ईश्वरीय कार्य है। और इसलिए इस ईश्वरीय कार्य में तो राक्षस विरोध करेंगे, इसमें मुझे कोई नया अनुभव नहीं है। आप भी सुदर्शन में थे, आपने देखा है कि कैसे कैसे लोग विरोध करते हैं और उस विरोध का कोई परिणाम नहीं होता है। जब भी विरोध हुआ हम और ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा तेज के साथ लोगों के सामने आए हैं, हमें उसकी कोई चिंता नहीं। रही बात जो बेरोजगार आरोप लगा रहे हैं, वो बेरोजगार खुद जब मीडिया में थे तो क्या क्या करते थे दुनिया जानती है। वो हमारे बातों पर प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उनका कोई जवाब देने की ज्यादा चिंता नहीं करूंगा। हमारे तमाम कार्यकर्ता उनको जवाब दे रहे हैं, उन्होंने खुद अपने लाइव के नीचे कमेंट में जाकर देखना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। खैर, उनकी बात और है। रही बात उन्होंने लगाए हुए प्रमुख आरोप से, या जो भी समाज अगर कुछ पूछना चाहता है तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। बिल्कुल सर, तमाम चैनल्स हैं, फिर चाहे वो अल जजीरा हो, एनडीटीवी की आप बात करते रहे और भी तमाम सोशल मीडिया पर भी अब लोग बात कर रहे हैं, आखिरकार जब रोक लगाने की बात होती है तो बिना कार्यक्रम को देखे, बिना समझे,
उस पर रोक लगाना क्या बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, क्या एक तरफा सुनी गई बातचीत? ये केवल जल्दबाजी नहीं है, विश्व के इतिहास में किसी भी चैनल का शो आने के पहले ही प्री टेलीकास्ट बैन आज तक किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं लगा है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि अंग्रेजों के सरकार के दौरान हमारे हीरो वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के पुस्तक छापने के पहले ही उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, और मैं उनका चेला, शिष्य या उनके विचारों का सैनिक, मेरे शो पर प्रकाशित होने के, प्रदर्शित होने के पहले ही रोक लगी। ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन इसका मतलब है कि जो शक्तियां तब भी थी वो शक्तियां आज भी है, हिंदुस्तान को गुलाम रखने के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए प्रयास तब भी हो रहे थे और आज भी हो रहे, हथियार बदले है। बिल्कुल सुरेश जी, पूरा देश उस कार्यक्रम को देखना चाहता था। रात 8 बजे 28 तारीख को हर किसी ने अपना टीवी चैनल ऑन कर दिया था। लगभग 1 घंटे पहले आपका ट्वीट आया था कि सोशल मीडिया पर स्टे लगाने की बात सामने आई है, लेकिन हमारे पास आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं आया। हालांकि बाद में आधिकारिक तौर पर आपके पास वो नोटिस आया होगा, आपने वो कार्यक्रम रोक दिया और वहां पर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि संविधान तो सबके लिए है, आखिरकार ये क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने आपने प्रणाम किया, आखिरकार क्या मतलब? आप ये समझिए कि जो लगातार चलता जा रहा था तमाम शो, इस शो से क्या दिक्कतें सामने आने वाली थी? बिल्कुल, मेरा यही तो प्रश्न है कि 15 वर्षों से जिम्मेवारी के साथ चलने वाला एक ऐसा चैनल जिसके एक भी कार्यक्रम में कोई गड़बड़ी, दोष, कानून का तोड़ना साबित नहीं हुआ, ऐसा चैनल को आप प्री टेलीकास्ट ब्रेक लगा रहे हैं? और दूसरा, मैं ऐसा क्या करता? मैं क्या वहां पर कोई न्यूक्लियर बटन था मेरे हाथ में कि मैं वो दबा देता और कुछ क्षेत्रों में ये हो जाता, बम धमाके हो जाते? क्या ऐसा क्या होने वाला था? ये मेरा प्रश्न है, मैं तो एक पत्रकार हूं भाई। दूसरा, अगर मैं किसी का पक्ष लिए बगैर शो कर रहा हूं तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें हमारा पक्ष नहीं रखा जा रहा है। मैंने तो जामिया वाले को ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि अगर आप शो में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपका सहर्ष स्वागत है, और अगर आप सम्मिलित होने में डर रहे हैं सुदर्शन में आने में, तो मैं जामिया आने के लिए तैयार हूं। आप बताइए, खुली बहस करते हैं। अगर आपके आपने कोई चोरी नहीं की है, गलती नहीं की है, मैं तो प्रश्न ही तो उठा रहा हूं, तो क्या हर्ज है? वाकई, लेकिन सुरेश जी आखिरकार ये नौकर अंबेडकर जी है क्या? रही 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 गणेश जी का दर्शन करने की, भाई मैं विवेक मांग रहा हूं ना, मैं तो किसी का गला दबाने, किसी का गला काटने, किसी के जगह पर जाकर शरीर पर बम बांधकर फोड़ने के लिए किसी भगवान से आशीर्वाद थोड़ी मांग रहा हूं। मैं तो गणेश जी को कहा कि गणेश भगवान, ईश्वर की सत्ता स्थापित हो इसलिए मेरे प्रयासों को, और मैं जो बोलने जा रहा हूं मुझे सद सद विवेक बुद्धि दे, न्याय बुद्धि मांगी। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा कि बाबा साहब जी, जिन दलितों के लिए, जिन पिछड़ों के लिए आपने लड़ाई लड़ी, उनके अधिकारों को मुसलमान छीन रहे हैं, इसका संविधान की रक्षा करने के लिए मुझे आप शक्ति दे, आशीर्वाद दे। और छत्रपति तो मेरे हीरो है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मैंने कहा कि किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बलिदान के लिए सुरेश चौहान के कभी पीछे ना हटे, इसलिए आप मुझे शक्ति दे। इसमें क्या मैंने गलत कहा? कई लोग उसको लेकर मेरी निंदा कर रहे हैं या कोर्ट में भी गए हैं कि क्या कोई टीवी चैनल अपने शो में गणपति की पूजा कर सकता है क्या? आपको यह भी पता होगा कि मेरे टीका लगाने और भगवा जैकेट पहनने पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति की। बिल्कुल, तो क्या इससे रोकेंगे मुझे? वही सुरेश जी, अब सवाल यह है कि आखिरकार ये नौकरशाही जिहाद है क्या, और कैसे आपको ये समझ में आया कि अब हमारे पास इसके लिए एविडेंस है और हम इसको टीवी पर दिखाएं? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि शो में ये बाकी बातें कहनी है कि जब इनकी जो मुख्य आपत्ति है, इनकी आपत्ति है कि मैं मुसलमान क्यों कह रहा हूं। मैंने तो यह प्रश्न पूछा, जो स्वाभाविक है, वेबसाइट पे जाइए आप यूपीएससी के, कि अचानक से मुसलमानों की संख्या आईएएस आईपीएस में कैसे बढ़ने लगी। मैंने कैसे बढ़ने लगी, ये तो वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका परसेंटेज है, रेशो है। अगर मैं कह रहा हूं और अगर गलत कह रहा हूं तो आप उसका उत्तर दीजिए। रही बात आप कह रहे कि मैं मुसलमान कैसे कहूं,
तो जब आप कहते हो कि सरकार में, मिलिट्री में, पुलिस में, प्रशासन में मुसलमानों की भागीदारी उनके जनसंख्या के अनुरूप आविले नहीं है, जब आप मुसलमान कह के मांग कर सकते हो तो चल सकता है मुसलमान बोलना, और जब मैं संख्या बढ़ क्यों रही है मुसलमान नाम लेकर बोलता हूं तो आप मुसलमान नाम लेने से रोक देते, क्या मुसलमान गाली है क्या? क्या मुसलमान कहना का कॉन्स्टिट्यूशनल कोई क्राइम है क्या? कहीं लिखा है कि मुसलमान नहीं कहा जा सकता? मैं कह रहा हूं आप अपने अधिकारों की मांग के लिए तो मुसलमान बोल सकते हो, लेकिन प्रश्न उठाने पर जब मैं मुसलमान बोलूं तो इस्लाम खतरे में आता है। मैंने तो ना कुरान के खिलाफ कोई बात की, ना मैंने मोहम्मद साहब के खिलाफ की, ना मैंने किसी नबी के खिलाफ की, मैं तो एक पॉलिटिकल डिसीजन और एक स्कैम के विरुद्ध बोल रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं कि आखिर मुसलमानों की संख्या अचानक बड़ी कैसे है? बाकी तो कुछ भी नहीं है। सही बात, ये तो मोदी अभी तो महज 50 सेकंड का एक प्रोमो आया है, कार्यक्रम 30 सेकंड से कम प्रोमो है, आखिर तो प्लेट लगी हुई है उसकी। हाँ जी जी जी, 30 सेकंड के प्रोमो में अभी ये कुछ हुआ है, जब कार्यक्रम चलेगा तब क्या लगता है आपको कि और ज्यादा विरोध होगा और आप लगातार उसको जारी रखेंगे? देखिए, सुरेश चव्हाण के ना पीछे हटा है ना कभी हटेगा। मैं आपके इंटरव्यू से वचन देता हूं कि मैं प्रतिबद्ध हूं कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। मुसलमान बहुत बार कहता है कि मुसलमान किसी से नहीं डरता है, मैं तो मुसलमान को नहीं, मैं तो भ्रष्टाचारियों को डराने के लिए कार्यक्रम कर रहा हूं, लेकिन जो मुसलमान के नाम के पत्ता खेलकर मेरे सामने बात कर रहे हैं वो मेरे 30 सेकंड के प्रमो से डरे हैं, जिसमें केवल मैंने 4 सवाल पूछे हैं। 30 सेकंड के प्रमो से डरने वाले सोचिए कि जब मेरा 9 दिनों की मैं सीरीज चलाने वाला हूं तब क्या होने वाला है। दंगे का अभी इनके पास एक ही हथियार है, देखिए इन्होंने धमकी देखी देखी, इन्होंने मुझे आर्थिक लालच देखी देखी, इन्होंने मिनिस्ट्री में रोकने का प्रयास किया, कोर्ट में रोकने का प्रयास किया, पुलिस से। आपको पता है एक और विश्व रिकॉर्ड मेरे ऊपर बना है, 1777 जगह पर मेरे खिलाफ कंप्लेंट की गई है। इतनी कंप्लेंट संसद पर हमला करने वाले अफजल के खिलाफ भी नहीं हुई थी, और मुंबई में जिसको पकड़ा गया था जीवित आतंकवादी उसके खिलाफ भी नहीं की गई थी, कसाब के खिलाफ भी नहीं की गई थी। तो सुरेश चव्हाण जी ने ऐसा क्या कर दिया है? ये स्पेन नहीं है कि हाथ में लेकर जला नहीं देंगे, ये नव हिंदुस्तान है और इसलिए इसको हम किसी भी कीमत पर रोकेंगे। एक बड़ा बहुत चिल्ला रहे लोग कि मैंने ये वीडियो में मोदी को टैग क्यों किया, आरएसएस को टैग किया। हर कोई सवाल पूछ रहे कि मोदी को टैग किया है, आरएसएस को टैग किया है, यानी आप खुल्लम खुल्ला चला रहे हैं, छुप छुपा के नहीं कर रहे। बिल्कुल, सुरेश चव्हाण के कोई भी छुपा कर नहीं करता। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि मनसा वाचा कर्मणा, आपके वाणी में, आपके मन में और आपके कर्म में अगर एक चीज है तो उसके साथ ईश्वर खड़ा रहता है। मैं आपके साथ जो बोल रहा हूं यही निजी बातचीत में बोलूंगा, यही टीवी पर बोलूंगा, यही लिखूंगा, सोने में के बाद सपने में भी इसी पे सोचूंगा, कोई विरोधाभास नहीं रहेगा। खुलकर कहा है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है आइडिया ऑफ इंडिया, इस देश के प्रति उनकी कल्पना है, उनके कल्पना के विरुद्ध इस एक देश की कल्पना जिसमें सबको समान अधिकारों की बात मोदी जी करते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुसलमानों को इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स बढ़ाकर देकर इस देश में अल्पसंख्यकों का अधिकार पहले है, ये मनमोहन सिंह की आइडिया ऑफ इंडिया थी, मोदी की नहीं थी। मोदी जी को तो सबके बराबरी की है, तो मोदी राज में भी 6 साल बाद आइडिया ऑफ इंडिया मोदी जी का नहीं चल रहा है, मनमोहन सिंह का चल रहा है, तो फिर मोदी जी को नहीं बताओ तो किसको बताओ? अरे बात आरएसएस की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का एकमात्र सांस्कृतिक संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, ये इंदिरा जी खुद कह चुके हैं। तो फिर मैंने ऐसे संगठन को बताना चाहिए कि इस देश में प्रशासन में घुसपैठ कर इसका सांस्कृतिक चरित्र बदलने की कोशिश हो रही है, तो ये उस संगठन को पता होना चाहिए। वाकई आशुतोष तो यहां तक कह रहे हैं कि आप प्रोपोगंडा नहीं बल्कि नफरत को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप अपने तमाम जो शोज चलाते रहे उसमें ऐसा ही करते रहे, यह आरोप उनका। देखिए मैंने कहा ना, मैं बेरोजगारों का बहुत ज्यादा जवाब नहीं दूंगा, तो फिर हमारे कार्यकर्ता किसको जवाब देंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, आशुतोष ने कभी इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का विरोध किया? कभी उन्होंने ओवैसी को कहा कि ओवैसी क्यों कह रहे कि आर्मी में मुसलमान कम है, जब ओवैसी पैरामिलिट्री में, पुलिस में मुसलमानों की संख्या गिनते हैं तो ये लोग कहां जाते हैं, तब क्यों चुप बैठते हैं? देखिए मैं
जैसे मुझे कोई ना रोके वैसे मैं भी आशुतोष या ये जो बाकी सारे लोग, मैं इनको रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके इंटरव्यू से तमाम जितने लोगों ने YouTube, ट्विटर या जहां पर भी मेरा विरोध किया है, मैं उनको चर्चा के लिए निमंत्रित करता हूं। सुदर्शन में आइए, आप सुदर्शन में नहीं आ सकते तो आपकी तरह लाइव लीजिए, मैं आपको लेने के लिए तैयार हूं, मैं उनके इंटरव्यू में जाने को तैयार हूं, या मैं उनको मुझे घर बुलाए मैं उनके घर जाने को तैयार हूं, मेरे लिए कोई अस्पृश्य नहीं है। मैं अपनी बात डंके की चोट पर कहता हूं और मेरे विरुद्ध डंके की चोट पर बोलने वाले का भी मैं सम्मान करता हूं। मैं कोई इनकी तरह फासिस्ट नहीं हूं कि मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब मुझे, मैं आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, मुझे पता चला है कि मेरे खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन लग रही है कि सुरेश चौहान के को एंकरिंग करने से ही रोका जाए। केवल मेरा कार्यक्रम रोक के इन लोगों का समाधान नहीं हुआ है, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगने जा रही है कि सुरेश चौहान के को टीवी पर अपीयर होने से रोका जाए। क्या ये मेरे लोकतांत्रिक, संवैधानिक और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब से आपने 30 सेकंड का प्रोमो रिलीज किया है, सुरेश जी फोन तो बहुत आए होंगे कि आपको ये कार्यक्रम रोक देना चाहिए, धमकियां आई है कि नहीं आई? धमकियों की तो हमारे यहाँ पर हमारी प्रेरणा होती है, आपको पता है कि जिस दिन धमकियां कम आती है तो मैं एडिटोरियल मीटिंग में पूछता हूँ कि आज क्या कुछ कमी रह गई थी क्या, कि गद्दारों को आज मिर्ची कम लगी, कम धमकी आई। धमकी से तो डरना होता तो 15 साल थोड़ी चैनल चलाते, ना धमकी से, ना लालच से, ना दबाव से, किसी भी स्थिति से नहीं, सिर्फ आगे जाना हम जानते हैं। हम शुरू कर, ये हमारा कोई दंभ नहीं है, हम पहले ही विचार कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने कम से कम इस पूरे स्कैम के स्टडी में 2 साल लगाए, पिछले 6 महीने से 8 लोगों की टीम इस पे काम कर रही है और पिछले पूरे 8 दिनों से मैं दिन रात इस पे लगा हूं। आप मेरे ट्वीट देखिए, रात को 2-2 बजे मैंने किए है, 3-3 बजे किए है, मैं सवेरे 6 बजे फिर कर रहा हूं, मैं पिछले 4 दिनों से 2-2.5 घंटे से ज्यादा सो नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक जिम्मेवारी है, हिंदुस्तान बचाने का एक अवसर है और बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के लोग मेरे से आशा कर रहे हैं, उसको मुझे पूरा करना है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है अगला कदम क्या होगा? क्या जो स्टे है वो जल्दी हट जाएगा या फिर इसी तरीके से बरकरार रहेगा? देखिए, हाईकोर्ट ने अभी कहा है कि 48 घंटे में भारत सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करे। पहले तो कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा मुझे पता नहीं, क्योंकि स्टे अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप भूमिका स्पष्ट करने को सरकार को कैसे कह रहे हैं? फिर आप सरकार को तय करने दीजिए कि स्टे लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन जो उन्होंने कहा है तो हम सरकार को उसका उत्तर दे रहे हैं, प्रसारण मंत्रालय को। उसके बाद 48 घंटे के बाद क्या होता है उसको देखेंगे। हम हाईकोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे, हम सारे संवैधानिक रास्तों का पूरा उपयोग करेंगे। आपके नौकर शाही जिहाद के बाद ऐसा है, ये तो डिले ही होगा ना। मैंने पहले, मेरा जब शो रोका गया तो मैंने कहा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? सबूत तो मेरे पास है ना, सबूत तो कोई कैलेंडर की तरह आगे नहीं निकलने वाले, जितना डिले करोगे उतना ज्यादा सबूत मिलेगा। आज सवेरे मैंने 3 बजे ट्वीट किया है, मुझे पाकिस्तान से भी सबूत भेजे गए हैं, मतलब जो लोग दुनिया भर में इन लोगों के विरुद्ध है वो मुझे रोज नित नया प्रूफ भेज रहे हैं। तो मेरा 28 तारीख को कार्यक्रम जितना सटीक, जितना आक्रामक होता उससे ज्यादा सटीक और आक्रामक अब जिस दिन होगा, जिस दिन इसको हम दोबारा घोषित करेंगे। यानी आप पूरी तैयारी से टीवी स्क्रीन पर आने वाले हैं जब इससे रोक हटेगी? बिल्कुल। चलिए सुरेश जी, आपने अपना, जी जी जी, आपने अपना वक्त दिया और उम्मीद है कि जल्दी ये स्टे हटे, क्योंकि देश कार्यक्रम देखना चाहता है, सच जो है वो छिपे ना, वो सबके सामने आए। हालांकि अब तो सुरेश जी ये भी बात सामने आने लगी, जब आपने नौकरशाही जिहाद की बात करी तो लोग ये हैशटैग चलाने लगे कि अब हर घर से निकलेगा जिहादी, यूपीएससी जिहादी उन्होंने नाम दे दिया। अब हर कह रहे हैं कि आपने बहुत बढ़िया आइडिया दिया है कि कम से कम अब लोग इस ओर ध्यान तो दे रहे हैं। अगर हर घर से अफजल खान निकलेगा तो हर घर से शिवाजी भी निकलेगा, ये ध्यान रखना। चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया और उम्मीद है जब ये कार्यक्रम चलेगा तब भी हम आपसे बात करेंगे, आपने अपना वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।